I'm your friend, your host, Baadal Bhandaari, and I welcome you in your favorite YouTube channel that is Dogs, Your Friends Forever. दोस्तों आज आप देख रहे हैं मेरे पास में एक बहुत ही सुंदर ब्रीड है which is not very common. इसके लिए बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं. It is not very common breed, जैसे मैंने आपको बताया. This breed is known as Tibetan Mastiff. One of the giant breed है, one of the most giant breed ever known to humans history. और ये बहुत ही सुंदर ब्रीड है, बहुत बड़ी ब्रीड है. इस ब्रीड साइज़ का अगर मैं बात करूँ, ये लड़की है जो मेरे पास में है, शी इज़ अ गर्ल. और अगर इसका मैं बॉडी वेट की बात करूँ तो शी इज़ अराउंड 65 to 70 kg. जो फीमेल्स हैं वो 45 to 65-70 kg तक जाती हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर हेल्थ एंड देयर लाइंस. जो मेल है वो अराउंड 70 to 95-100 kg तक चले जाते हैं तिब्बतन मैस्टिफ. दे आर वेरी जायंट. बहुत ही सुंदर, बहुत मज़ेदार ब्रीड है ये. इस ब्रीड के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा कि ये इस ब्रीड को आप एक बहुत अच्छे वॉच डॉग के तौर पे लेना चाहें, ऑफकोर्स आप ले सकते हैं. बहुत अच्छा फैमिली डॉग के तौर पे लेना चाहें, देख सकते हैं. बहुत अच्छे कंपेनियन है, बेसिकली ये बहुत ही बढ़िया कंपेनियन है. आप देख सकते हैं मेरे साथ में बैठी है, मुझे बहुत प्यार कर रही है. मेरी वन ऑफ द मोस्ट लविंग बिच है ये. बच्चों के साथ भी ये बहुत अच्छी ब्रीड है, बच्चों के साथ ये बहुत अच्छा चलता है. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे हमारे अपने हों, हमारे अपने फैमिली डॉग हों. जैसे मैंने आपको बताया कि ये वॉच डॉग है. वॉच डॉग होने की वजह से क्या होता है, हमारे अपने घर में, फैमिली में, बच्चों में, बड़ों में, सबके साथ में बहुत अच्छी है. लेकिन गुड का आपको बता रहा था कि ये बहुत अच्छे कंपेनियन है, बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे हैं. लेकिन ये हमारे अपने घर के बच्चे होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर हमारे जैसे कुछ, मैं ब्रीड्स के बारे में आपको पहले ब्रीफ कर चुका हूँ कि कोई भी बच्चा जो है उसके साथ खेले या कुछ भी करे वो उनको एग्रेसिव नहीं होंगे, वो हमने उनको वैसे ग्रूम किया. बट इसके लिए आपको लिटल केयरफुल रहना चाहिए अगर ये उस तरह से करते हैं. बिकॉज सभी बच्चों के साथ में कंपैटिबल हो ऐसा नहीं है. हमारे घर के बच्चों के साथ तो बहुत बढ़िया है, आपके घर के बच्चों के साथ बहुत बढ़िया हो सकते हैं. अब बच्चे इनको राइड करें, इसकी पीठ पे बैठ जाएं, चाहे इनके मुंह में हाथ डाल दें, चाहे ये खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हुए इनके मुंह से हाथ निकाल लें. मेरी बात को, इस चीज़ को समझिएगा, मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये हमारी ग्रूमिंग पे डिपेंड करेगी. ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका डॉग एग्रेसिव है और आप अपने बच्चे को उसके आगे कर दीजिए तो डेफिनेटली आपके बच्चे को वो अटैक करेगा. हमें उसको बनाना है वैसा, हमें उस डॉग को वैसा बनाना है, हमें उसको बिगाड़ना नहीं है. हमें उसको कैसे ग्रूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उन सब चीज़ के लिए मैं आपके लिए बैठा हूँ. आप मुझे कॉल कीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9878474748. दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ. ये काफ़ी सारे कलर्स में आती है तिब्बतन मैस्टिफ ब्रीड जो है. जैसे ये ब्राउन एंड ब्लैक कलर है, इसे हम ब्लैक एंड टैन भी कहते हैं. इसके अलावा ये रेड कलर में आता है, उसके अलावा फॉन कलर में आता है, ग्रेइश कलर में आता है. बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सारे कलर्स में आते हैं. और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी ब्रीड ऑप्ट कर सकते हो, कोई भी कलर ऑप्ट कर सकते हो. जो तिब्बतन मैस्टिफ है इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये साल में सिर्फ एक बार ब्रीड हीट पर आते हैं, सिर्फ एक बार सीज़न पर आते हैं, और वो आते हैं विंटर्स में. इनका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो विंटर्स में है, ये बच्चे देते हैं सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में. उसके अलावा अगर आप सोचें कि ये साल में दो बार बच्चे देंगे या दो बार सीज़न पे आएंगे जैसे नॉर्मली बाकी जनरली ब्रीड्स आती हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है. गुड का उसके अलावा आप एक और चीज़ मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा. इसका टेम्परमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है. लेकिन दे आर रियली वॉच डॉग. कम ऑन, गुड का डार्लिंग, गेट गुड का. ये रियली वॉच डॉग है. आप अगर इनको आप इनको सिर्फ कंपेनियन के तौर पे लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मत लीजिए. दे नीड लॉट ऑफ स्पेस. इनको बहुत सारी जगह चाहिए होती है घर में रहने के लिए, क्योंकि ये बड़ी ब्रीड है. इनको एक्सरसाइज भी चाहिए, इनके लिए टाइम होना चाहिए. आपको आप इनको अपने फार्म हाउस पे रख सकते हैं, आप इनको अपने घर पे रख सकते हैं, गार्ड करने के लिए रख सकते हैं. ये बिल्कुल भी रिश्वत नहीं लेते किसी के साथ में, किसी बाहर के लोगों के साथ ये ईजिली मिक्सअप नहीं होते हैं. इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है इस ब्रीड के बारे में. अगर आपको एक बहुत अच्छा वॉच डॉग चाहिए, बहुत अच्छा कंपेनियन चाहिए फैमिली के साथ में, तो ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर इट. इनका जो कोट है वो अच्छा शाइनी होता है, बढ़िया होता है. लेकिन ऑफकोर्स लैब्राडोर्स की तरह नहीं होता, जैसे लैब्राडोर का एक्स्ट्रा डार्क शाइनी रहता है उस तरह का नहीं रहता है इनका कोट. हल्का सा डल, रफ और गफ टाइप का इनका कोट रहता है. अदरवाइज इट इज़ वेरी स्मूथ एंड सिल्की, सुंदर है. कम गुड कर डाल, काफ़ी सुंदर और स्मूथ कोट रहता है इनका. ये साल में जैसे मैंने आपको बताया कोट चेंज करते हैं. सितंबर में इनका कोट वापस पूरा आना शुरू हो जाता है, और ये अप्रैल में जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो नेचुरली ये कोट अपना शेड करना शुरू कर देते हैं. गुड गर्ल, इधर आज डॉली सुंदर, बहुत सुंदर लड़की. ये अपना जो कोट है वो शेड करते हैं
अप्रैल में स्टार्ट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जब जैसे पीक गर्मियाँ आती हैं ये बिल्कुल अपना कोट शेड कर देते हैं और अगस्त सितंबर में रीगेन करना शुरू करते हैं, सितंबर अक्टूबर में वापस अपने ये कोट में आ जाते हैं। इनका जो ये आयाल देख रहे हो ये बहुत इनका बहुत इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीस्ट पार्ट। इनका हेड बहुत बड़ा होता है, हेड के ऊपर इनका आयाल जो है बाल बहुत अच्छे आए होते हैं, इनकी टेल है वो बहुत हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रीड्स। दोस्तों मैं बात कर रहा था इस ब्रीड के बारे में, इसके लिए थोड़ा सा मैं इसकी हाइट के बारे में बताऊँ। इसकी जो हाइट है अगर वो फीमेल है तो उसकी जो शोल्डर हाइट है वो जाएगी अराउंड 27-28 inches तक और अगर ये मेल है तो इसकी हाइट जाएगी 30-31 inches तक। मैं शोल्डर हाइट की बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, बाकी ऊपर जो आयाल आएगा जो है नेक आएगी वो अलग चीज़ है। हम इसकी डाइट की बात करें तो ऑफकोर्स ये स्पेशल ब्रीड है और इनको स्पेशल डाइट भी चाहिए। इनको आप हेल्दी बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई डॉग फूड दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इनको कुछ भी दे देंगे, इनको हेल्दी डॉग फूड दीजिए। उसके अलावा अगर आप होममेड फूड भी देना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप होममेड फूड दे सकते हैं। होममेड फूड में आप इनके डाइट में एग्स ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड एग्स, ऑफकोर्स रॉ एग नहीं देना चाहिए, बॉइल्ड एग दे सकते हैं, उसको स्क्रम्बल करके दे सकते हैं। उसके अलावा आप इसे चिकन दे सकते हैं, मटन दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं और अच्छी क्वांटिटी में ही देना चाहिए। ऑफकोर्स अगर आप ये ब्रीड रखते हैं तो डेफिनेटली आई विल गाइड यू अगर आप मेरे से पूछा था। हम इसकी डाइट की बात कर रहे थे, हम इसे बॉइल्ड एग दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, शुड बी इन बॉइल्ड फॉर्म, कच्चा चिकन नहीं देना है, कच्चा मीट नहीं देना है इसको। इसको कैल्शियम बहुत ज़रूरी है बिकॉज जाइंट ब्रीड है, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। अगर हम उसे प्रॉपर कैल्शियम नहीं देंगे तो उसकी जो बोन्स है वो हॉलो रह जाएंगी, मींस बोन्स अंदर से खाली रह जाएंगी, खोखली रह जाएंगी। साइज़ तो आ जाएगा लेकिन बाकी चीज़ नहीं आएगी, जो वेट गेन होना है वो नहीं आएगा, स्ट्रेंथ नहीं आएगी डॉग में। इसके अलावा आप इसको कैल्शियम दीजिए, मल्टीविटामिन दीजिए, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन दीजिए जो इसकी स्किन कोट के लिए बहुत अच्छा है, इसकी बहुत मस्ट रिक्वायरमेंट है। विटामिन D3 दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स इसको अगर आप रखते हैं तो इसको एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है, इसको वॉक के लिए लेके जाइए मॉर्निंग इवनिंग, अच्छी वॉक कराइए, बॉल के साथ खिलाइए। बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है, आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे घर में रख के। और इट इज़ नॉट अ कॉमन ब्रीड, हर आदमी तिब्बतन मैस्टिफ नहीं रखता और ना ये हर किसी के समझ में आएगा डॉग, ये इतना बड़ा और इतना मैसिव डॉग होता है। प्लस इसकी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे गुड गर्ल, चलो गेट अप गर्ल, जैसे इसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो जो है उसको मीट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस ब्रीड के साथ इस ब्रीड को रखते हैं, अदरवाइज इनके साथ में ना इंसाफी होगी, वो नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं इसका कोट, इसकी टेल देख रहे हैं, जब मैं बात कर रहा था ही इज़ हैविंग सो ब्यूटीफुल टेल, शाइनी कोट एंड हैवी हेड, हैवी फेस, दे आर इट इज़ देयर स्पेशलिटी, हैवी सा हेड हो, हैवी सी टेल हो, सुंदर सा कोट हो और बड़ा सा साइज हो, दैट मीन्स यू आर हैविंग समथिंग स्पेशल। जैसे बुलेट है, सफारी है, वैसे ही तिब्बतन मैस्टिफ, इट इज़ नॉट अ कॉमन ब्रीड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं नए वीडियो के साथ, नए ब्रीड के साथ मैं आपके सामने नेक्स्ट टाइम आऊँगा और डेफिनेटली किसी नई ब्रीड के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। आप कुछ भी जानना चाहते हैं किसी भी ब्रीड के बारे में, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी एट माई हेल्पलाइन नंबर, दैट इज़ 9878474748। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपने देखा, पसंद आया, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग बादल लाइफ प्रेजेंस डॉग्स, योर फ्रेंड्स फॉरएवर। थैंक यू।